सलाम, मैं हूं एहसान और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हम फिर सुपौल से मधेपुरा ही आ गए हैं। आज यहां पे दो कंप्लेन है, एक में CH10 एरर आ रहा है एसी में, और दूसरा एसी है, दूसरे वाले तो परेशान कर रखा है जहां अभी हम जस्ट अभी जाएंगे। ये बहुत बार बार बुलाता है, नया एसी लिया और बार बार टेक्नीशियन को बुलाता है। दो बार तो हम ही जा चुके हैं, अब तीसरा बार जा रहे हैं। ये क्या करता है कि बच्चे सबको हाथ में रिमोट दे देता है और फिर टोल फ्री पे फोन करके कहता है देखिए ना मेरा एसी काम नहीं कर रहा है। और जब बात करते तो कहता है रिमोट में पता नहीं क्या हो गया, नहीं ऑन हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। मतलब इनके यहाँ बच्चा है, बच्चे सबको रिमोट धरा देते हैं, बच्चा सब है दाब दूब देता है, मोड चेंज कर देता है। तो वही अभी पहुँच रहे हैं और देखते हैं क्या कर दिया इस बार। रूम जो गीला होता है वो मॉइस्चर की वजह से होता है, बरसात के टाइम में ऐसे ही होगा, वो एसी का प्रॉब्लम ना। नहीं तो पहले का जब से एसी लगाया। कितना दिन हुआ एसी लगाया? एक महीना। तो अभी बारिश का टाइम है, अभी मॉइस्चर की वजह से जो ये रूम गीला हो जाता है। ये एसी में फॉल्ट नहीं है, एसी में से अगर वहाँ से पानी टपकता तो एसी का फॉल्ट होता। कहाँ दिख तो नहीं रहा हमको टपकते हुए? हाँ हम एसी चेक किए जैसा हम पहले ही बोले थे, वही सेम दिक्कत था, रिमोट में कुछ गड़बड़ी नहीं, बस किसी किसी टाइम वो एक नहीं सब चीज जलने लगता है, जैसे बैटरी वीक होने की वजह से होता है। तो वो था, और दूसरा कह रहा था कि मॉइस्चर फर्श पे मॉइस्चर जम जाता है, जबकि पिछले बार हम उनको समझा दिए थे कि किस तरह से रिमोट को चलाना, अगर मॉइस्चर जमेगा तो ये वाला जो है लोगो आपको दिखेगा, इस मोड को चेंज कर दीजिएगा। बस यही छोटा मोटा चीज़ के लिए फिर से बुला लिए हम, इस बार समझा दिए उनको, बोले और कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। अब बार बार जो छोटा मोटा दिक्कत के लिए बुलाते हैं अच्छा बात नहीं, तो समझा दिए हैं सारा चीज़, फिर से हम रिमोट का सारा चीज़ फंक्शन समझा दिए। और उनके बाद जो हम अभी हम चले आए हैं बिल्हा घाट, ये मधेपुरा में ही है, यहाँ पे जो CH10 एरर आ रहा था जैसे हम बोले थे कि वहीं पे आ गए। और ये स्कूल है, स्कूल का नाम है भूल गए नाम क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ था। ये एसी जो है हॉल में लगा हुआ है, और हॉल में लगभग 50-60 से ज़्यादा ही बच्चा रह रहे हैं, हॉस्टल में सब बेड लगा हुआ है यहाँ पर। और इस रूम में इतना हुमस हो रहा है गर्मी की वजह से कि यहाँ पे तो ठहरना मुश्किल है, एक घंटा लोग ठहर जाए तो उसको क्या से क्या हो जाएगा। इसमें CH10 एरर आ रहा है, और अब हम इनको खोलेंगे, खोल कर देखेंगे आखिरकार दिक्कत क्या है। तो अभी हम खोल करके एसी को जो है चला दिए, अभी तक तो मेरे सामने CH10 एरर नहीं आया, लेकिन कूलिंग भी अभी नहीं पकड़ा है, तो कुछ टाइम हम वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें। देखिए CH10 एरर आ चुका है, जबकि इसके वायर वायर सब ठीक ठाक है। ऐसा कभी होता है कि चूहा वायर काट देता है तो CH10 एरर आता है, लेकिन इनका वायर जो है ठीक है हम जैसे देख पा रहे हैं। ये जब चालू हो रहा है तो शुरू में एकदम फास्ट चालू हो रहा है, एकदम ज़ोर से हवा दे रहा है, उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है। देखिए वायर सब जो है बिल्कुल क्लियर है, यहाँ चूहा का कोई क्रमांक नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये ऐसा सिचुएशन आता है ना कि एकदम ज़ोर से पहले चालू हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो है लो हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर ही ख़राब होता है, मोटर डिफेक्टिव होता है। अब ये दूसरा एसी है जो कि दूसरे हॉल में लगा हुआ है, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, CH10 एरर आ रहा है इसमें भी। अभी हम ऑन कर दिए हैं तो इनको भी चालू किए हैं, तो इनका इनमें भी CH10 एरर जो शो करने लगा जैसे सामने देख रहे हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई चूहा का ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो कि यहाँ पे दिखे हमको कि चूहा आया है, कुछ तार वार काट, एकदम क्लियर है सब कुछ। इसमें भी पहले वाला ही प्रॉब्लम है सेम, कि शुरू में एकदम ज़ोर से हवा देता है और उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो इनका भी जो है मोटर ही ख़राब है। मोटर एक ज़्यादातर वही ख़राब जो होता है ना, तो जब शुरू में ज़्यादा तेज़ चलता है उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है, ये मोटर का अंदरूनी फॉल्ट होता है,
मोटर इसमें डिफेक्टिव होता है। यहाँ पर भी हम जो एसी चेक कर लिए, यहाँ इनका दो एसी है और दोनों का मोटर खराब है, CH10 दोनों में एरर आ रहा है और दोनों का मोटर खराब है, तो दोनों का जो है कोटेशन दे दिए हैं और मोटर पार्ट पेंडिंग करवा दिए हैं। अब एक दो दिन में आएगा तो वो लग जाएगा। और अब उनके बाद मधेपुरा के बाद अब अभी हम सहरसा जा रहे हैं, सहरसा में एक मोटर लेना है जो कि सुपौल में लगाना है, वो सैलून वाले में, वो कल लगेगा। शाम हो गया अभी सहरसा पहुँचबो नहीं किए, सहरसा भी पहले पहुँचेंगे, वहाँ से पार्ट ले लेंगे, उनके बाद सीधे हम सुपौल के लिए रवाना हो जाएंगे। सहरसा से जो है हम पार्ट लेकर के अपने घर चले आए हैं, रात हो गया, 7:30 बज गया आते आते। ये पार्ट दो मोटर यहाँ है और दो एक मोटर उसमें है, उसमें जो है सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन का जो वाश मोटर है और इसमें दो एसी का मोटर है, और ये कल दोनों लगेगा, एक तो लगेगा ये सैलून में और दूसरा दो जो लगेगा पिपरा में और एक लगेगा त्रिवेणीगढ़। तो अभी हम लेकर के चले आए हैं, तो आज के लिए आज के वीडियो को बस यहीं तक समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर। जय हिंद।